महाशिवरात्रि के अवसर पर दुमका के बासुकीनाथ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। फौजदारी बाबा बासुकीनाथ धाम में सुबह मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। फौजदारी बाबा का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपनी पारी का इंतजार करते दिखे। इधर महाशिवरात्रि को लेकर बासुकीनाथ धाम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्सव है। दिन भर शिव भक्तों द्वारा पूजा अर्चना किए जाने के बाद रात में आकर्षक झांकी के साथ बाबा बासुकीनाथ की बारात निकलेगी। अलौकिक एवं विहंगमन शिव बारात का हिस्सा बनने के लिए काफी संख्या में शिव भक्त फौजदारी बाबा के दरबार में जमे हुए हैं। शहनाई वादकों और दर्जनों बैंड पार्टियों के साथ देवी देवताओं भूत प्रेत की झांकियों के बीच निकलने वाली शिव बारात में शामिल होने को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। शिव बारात बासुकीनाथ नगर का भ्रमण करने के बाद बाबा का विवाह अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच होगा। फिर अगले दिन मर्याद एवं घूंघट की रस्म अदा की जाएगी और भोलेनाथ के बारातियों को विदा किया जाएगा। नागेश की नगरी में बाबा बासुकीनाथ धाम में चारों ओर विवाह के गीत गूंज रहे हैं। कहते हैं कि फौजदारी बाबा के रूप में विख्यात बासुकीनाथ में नागेश ज्योतिर्लिंग का यह दरबार भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करता है। जय बाबा बासुकीनाथ। वैसे तो महाशिवरात्रि का महोत्सव सभी प्राणी मनाते हैं। देव दानव मानव यक्ष किन्नर नाग गंधर्व सभी अपने अपने तरीके से मनाते हैं। जहाँ तक बाबा फौजदारी दरबार बासुकीनाथ में परंपरा की बात है तो यहाँ जिस प्रकार एक वर और कन्या का विवाह का जो रस्म होता है वो सारा रस्म हमारे यहाँ किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मंडप का जो पूजा होता है लावा कासा हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, लावा कासा भुंजाता है, फिर उपटन भुंजाता है, फिर उसको जो है पीस करके वो लावा कासा बाबा पर अर्पित किया जाता है। और जो मंडप का विधि विधान है, जो रस्म है, वो सारा हमारे यहाँ बाबा के दरबार में किया जाता है। ये परंपरा शुरू से है। और फिर उसके पश्चात विवाह के दिन में विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। विवाह में जैसे एक वर कन्या के साथ विवाह का रस्म होता है वैसे बाबा के साथ किया जाता है। ये परंपरा रही है। तो बाराती निकाला जाता है, नगर भ्रमण होता है, नगर भ्रमण के पश्चात प्रांगण में बारातियों को लाया जाता है और गर्भगृह में माता पार्वती और बाबा का सम्मेलन होता है और वहाँ विवाह का रस्म संपन्न करवाया जाता है। उसके पश्चात एक रस्म जो हमारे यहाँ है पूरे भारतवर्ष में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और वो है विवाह के दूसरे दिन घूंघट का रस्म। वो तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच संध्या में किया जाता है और यहाँ के स्थानीय नागरिक महिलाएं अगल बगल की सारी महिलाएं उस कार्यक्रम में भाग लेकर शामिल होते हैं। और जैसे लड़की का विदाई होता है वैसे एक रस्म होता है माता पार्वती का विदाई का। उस समय हम लोग भाव विभोर होकर के सबों के आंख में आंसू आ जाता है। ऐसे विदाई का रस्म हमारे बाबा बासुकीनाथ दरबार में होता है और इस प्रकार विवाह का कार्यक्रम परंपरा से चलते आ रहा है और आज भी आपको देखने को यहाँ मिलेगा। आज महाशिवरात्रि पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, इस बार की व्यवस्था कैसा लगा? बहुत अच्छी, बहुत अच्छे से दर्शन। क्या कतार में लगकर पूजा किए? कतार में लग गई। आज विशेष दिन है, महाशिवरात्रि है, इसको लेकर बाबा से आपने क्या मांगा? बस घर परिवार खुश रहे, जो दिए हैं तो उसके लिए थैंक यू बोला है। यहाँ क्या बासुकीनाथ मंदिर के बारे में? बासुकीनाथ मंदिर के बारे में देखिए मेरे को उतना नॉलेज तो नहीं है क्योंकि आप देवघर से हैं और ये फौजदारी दरबार है। क्या कहें, बाबा सबके बनाए रखें, सबकी मनोकामना मंदिर में है। ठीक, नाम बता देंगे। कैसा लगा पूजा करने में? क्या विशेष तिथि आज, क्या मांगे बाबा से? हर हर महादेव। आज विशेष तिथि के वर्णन करना मेरे बस में नहीं है, लेकिन एक स्पष्ट शब्द में अगर कह सकें तो यह देवाधिदेव महादेव जो तीनों लेक के मालिक हैं, जिनके बदौलत, जिनके इशारा से पूरा दुनिया चलती है, उनका आज शुभ विवाह महोत्सव है और हम लोग इतना खुशी महसूस कर रहे हैं, इतना अंदर से मतलब खुश हैं, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और हर एक साल
बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा करने के बाद बाबा बासुकीनाथ धाम की पूजा करने के लिए आते हैं। पूरा मंडली हम लोग पैदल चल करके यहाँ स्टेशन से, बासुकीनाथ धाम स्टेशन से यहाँ आए हैं, और पूजा करने के बाद ऐसा लगा कि दुनिया का सारा सुख जो हमें प्राप्त हो चुका है। और बाकी इसमें क्या कह सके, तीनों लोग का महादेव का आज शुभ विवाह है। हम लोग खूब नाचेंगे गाएंगे, पूरा शाम पूरा रात यहीं चलेगा। और खास बात यह है कि हम सभी लोग भाई महाशिवरात्रि व्रत भी रखे हैं, और हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार सफलता की ऊंचाई को प्राप्त करें, जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। और ख़ास करके मैं जो देश के रक्षा के लिए नौजवान अपने घर परिवार को त्याग करके ये बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जिसके बदौलत हम लोग खुश हैं और चैन की नींद ले पाते हैं, उन लोगों के लिए भी हम मंगल जीवन की कामना किए हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। बोल बाम। मेरा नाम राजीव रंजन राय हुआ, बाबा बैद्यनाथ धाम, वैसे मैं चकाई बिहार से बिलोंग करता हूँ।